हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज हम एक्सटेंशन एजुकेशन में नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आकर जाकर के आप मेरे चैनल पे वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, उसमें मेथड्स क्या क्या यूज़ करने चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सब कुछ बताया है। ठीक है, आज हम आगे का पार्ट पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये, एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता था। आज सेकेंड पार्ट में मैं इसे कवर कर रही हूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन मीडिया एंड होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन, या एक्सटेंशन एजुकेशन में कम्युनिकेशन मीडिया का क्या रोल होता है। कम्युनिकेशन मीडिया का बहुत वाइटल और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक्सटेंशन एजुकेशन में, क्योंकि सोशल कल्चर और इकोनॉमी सिचुएशन के आधार पर सस्टेनेबल सुटेबल टीचिंग एड का सिलेक्शन केयरफुली करना चाहिए। जब हम कोई टीचिंग एड का यूज़ कर रहे हैं, किसी को एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम जो भी एड यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो भी तरीका, जो भी विधि यूज़ कर रहे हैं, वो उसके सोशियो कल्चर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसके इकोनॉमी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। समझ में आ रही है ना बात। नेक्स्ट, इसमें से कुछ जो है इंडिविजुअल अप्रोच के लिए होती हैं, कुछ ग्रुप अप्रोच के लिए होती हैं, कुछ मास अप्रोच के लिए इफ़ेक्टिव होते हैं। ये तो हमने पढ़ा ही है कि जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी को अपनी बात समझाते हो, तो अगर हम इंडिविजुअली समझा रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, मैंने बताया है। अगर हम ग्रुप में किसी से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं तो हम कौन कौन से मेथड्स, कौन कौन से एड्स यूज़ करेंगे। अगर हम भीड़ में, बहुत ज़बरदस्त भीड़ है, मास है बहुत ज़्यादा, तो हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं एड्स का, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या तब हम एक पोस्टर दिखा के काम चला सकते हैं? नहीं। तब हम क्या करेंगे, मीडिया का सहारा लेंगे, कम्युनिकेशन मीडिया का सहारा लेंगे। समझ में आ रही बात। जब हमें बहुत भीड़ में कोई बात अपनी समझानी है, एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, तो मास कम्युनिकेशन के लिए मॉडर्न एफर्ट को न्यू टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, सच एज मोशन पिक्चर्स, टेलीविजन्स, रेडियो, वीडियो, फिल्म्स, जो कि विजुअल रिसोर्सेज का एक अच्छा और रेंज टीचर को देते हैं। मतलब जो भी एक्सटेंशन टीचर है, उसे अगर बहुत भीड़ में कोई चीज़ समझानी है, एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, तो वो क्या कर सकता है, मास कम्युनिकेशन का सहारा ले सकता है, जिसमें रेडियो का सहारा ले सकता है, सॉरी टेलीविजन्स का सहारा ले सकता है, मोशन पिक्चर्स का सहारा ले सकता है, प्रोजेक्टर्स का सहारा ले सकता है, और उसके थ्रू जो है वीडियो दिखा के वो लोगों को अपनी बात समझा सकता है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अब थोड़ा सा प्रसार शिक्षक के बारे में भी समझ लेते हैं, क्योंकि जो भी शिक्षा प्रदान कर रहा है एक्सटेंशन की, वो कौन हुआ, टीचर हुआ। तो एक्सटेंशन टीचर क्या होता है, वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, प्रसार कार्य के अंतर्गत प्रसार शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये क्या करता है, गवर्नमेंट्स और जो आपके ग्रामीण होते हैं उनको आपस में जोड़ता है, उनके बीच की कड़ी होता है। जो गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो विलेजर्स तक लेकर के जाता है, उन्हें समझाता है, उसके बेनिफिट्स, उसके रेलिवेंस, उसको इम्पोर्टेंस को समझाता है। ठीक है, इसके अलावा उसका सीधा संपर्क जो होता है वो लोगों से होता है, वो डायरेक्टली टच होता है, किससे, पीपल से होता है, ग्रामीणों से होता है, वहां के रहने वाले लोगों से डायरेक्टली टच होता है। प्रसार कार्य में शिक्षक कड़ी की भूमिका निभाता है, ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों में उसे कार्य करना पड़ता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी होता है जो टीचर होता है। टीचर तो वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो कोई भी हो, हमारे लिए गुरु महान होता है। ठीक है, ये बात तो मुझे बहुत अच्छा समझ में आती है, मैं बहुत सम्मान देती हूँ अपने हर गुरु को। तो मेरा का यही मानना है कि जो एक्सटेंशन टीचर भी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो डायरेक्टली जा रहा है, कोई गवर्नमेंट तो आ नहीं रही है ना ग्रामीणों से मिलने के लिए, वो जा रहा है, वो उनकी पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को समझा रहा है ग्रामीणों तक, वो डायरेक्टली उनको टच कर रहा है। ठीक है, उनके बातों को समझ रहा है, उनकी इकोनॉमी को देख रहा है, उनके सोशियो कल्चर्स को देख रहा है। तो इसके लिए जो है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो भी हम देख लेते हैं। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ एक्सटेंशन टीचर, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। अब जो एक्सटेंशन टीचर है, वो बहुत ज़्यादा विनम्र होना चाहिए, बहुत उस पोलाइट होना चाहिए, मृदु होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, उसे विषय का ज्ञान होना चाहिए, जो भी वो टॉपिक समझा रहा है, जो भी वो टॉपिक एजुकेट करना चाह रहा है वहाँ के लोगों को, उसे उसका प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। समझ में आ गई बात। इसके अलावा प्रगतिशील विचारधारा, उसकी जो थिंकिंग है, जो थॉट्स है, वो डायनामिक होनी चाहिए, बिल्कुल कंटिन्यू, उसको कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, प्रगतिशील होनी चाहिए, ग्रामीण परिवेश से जुड़ा होना चाहिए। अब जो टीचर्स होते हैं क्या करते हैं, कभी कभी कोई टीचर एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पढ़ लिख के जाते हैं, सब कुछ ग्रामीण परिवेश में जुड़ नहीं पाते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जहाँ भी जो रह रहे वहाँ पर उनको परिवेश से जुड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट, मार्गदर्शन होना चाहिए, नेतृत्व की भावना होनी चाहिए,
सबको मार्ग दिखा सके, सबकी समस्याओं को सुलझा सके, लीडरशिप की क्वालिटी हो उसके अंदर, वो लीड कर सके, सारे लोगों को अपने बात समझा सके, ठीक है, उस हर चीज़ को लीड कर सके, तो वो उसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अपने काम के प्रति समर्पित भावना उसके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा निष्पक्ष व्यवहार कुशल होना चाहिए। कोई भी काम करे तो निष्पक्ष करे, ये नहीं किसी एक सोसाइटी का जो है तो उसने ले लिया, नहीं मैं तो इसी का साथ दूंगा, दूसरी सोसाइटीज़ का नहीं दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई कास्टिज्म उसके अंदर नहीं होना चाहिए, कोई रिलीजन धर्म उसके अंदर नहीं होना चाहिए कि नहीं कि मैं तो इसी धर्म के लोगों को जो है बेनिफिट प्रोवाइड करवाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर सबके लिए एक समान होना चाहिए। नेक्स्ट, उसका आदर्श व्यक्तित्व होना चाहिए, एक ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए जिसकी सब मिसाल दे कि हाँ भाई वो टीचर बहुत अच्छा है, और सब उससे अट्रैक्ट हों कि उसकी बात को समझें, उसकी बात को माने। नेक्स्ट, उसमें मूल्यांकन क्षमता इवैल्यूएशन की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, हर चीज़ को मूल्यांकन कर सके लास्ट में कि हाँ ये सही हुआ है, ये गलत हुआ है। जन कल्याण समायोजन के प्रति वचनबद्धता होनी चाहिए। दृश्य श्रव्य माध्यमों की जानकारी, आप जो भी एड यूज़ कर रहा है, वॉट एवर ऑडियो, वॉट एवर वीडियो, वॉट एवर रिटन फॉर्म, उसे सबकी जानकारी होनी चाहिए कि कब कौन सा एड यूज़ करना है और एड यूज़ कैसे करना है, यूटिलाइजेशन उसका कैसे करना है, ये उसे पता होना चाहिए। लेखन क्षमता, उसकी रिटन क्वालिटी बहुत बढ़िया होनी चाहिए कि अगर कोई बात लिख करके समझानी है तो कैसी लैंग्वेज उसमें लिखनी चाहिए, वॉट आर द वे, हम कौन सा वे यूज़ करें, ठीक है, किन शब्दों का यूज़ करें, वो क्षमता उसमें बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये तो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट, हम कम्युनिकेशन की ही बात कर रहे थे, टीचर आ गया था तो मैंने टीचर समझाया है, तो जो समय का बैरियर और अनेकों बाधाओं में से कैसे सबको मुक्त किया जा सके, ये कम्युनिकेशन मीडिया सिखाता है। कम्युनिकेशन मीडिया जो है वो टाइम बचाता है, टाइम बहुत ईजिली बचता है हमारा कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू। आज आप देखिए तमाम चैनल, आपके न्यूज़ चैनल्स आ रहे हैं टीवी पे जो आपको अप टू डेट रखते हैं, नॉलेज का भंडार है, एक्सप्लोजन है उसमें नॉलेज का, इतने न्यूज़ चैनल्स हैं, आप कोई भी देख लीजिए सब आपको अप टू डेट रखते हैं, देश की, विदेश की, और पता नहीं कहाँ कहाँ की न्यूज़ आपको दिखाते हैं, और आप अप टू डेट रहते हैं, करंट आप रहते हैं बिल्कुल। तो कैसे ये हो सका है, ये संभव कैसे हो सका है, ये मास मीडिया कम्युनिकेशन के थ्रू संभव हो सका है, ठीक है। तो चैनल्स ऑफ मास मीडिया जो हैं वो क्या क्या हैं, वो सच एस रेडियो हैं, टेलीविजन हैं, प्रोवाइड अ लेटेस्ट न्यूज़ एंड हेल्प पीपल टू कीप इन फेज विद नॉलेज एक्सप्लोजन, ठीक है। क्या करते हैं, लोगों को मदद करते हैं, लोगों को घर बैठे जानकारी मिल रही है। जो कम्युनिकेशन मीडिया है वो केवल एक आदमी को नहीं जानकारी दे रहा है, पूरी दुनिया में जानकारी प्रोवाइड करा रहा है। तो वो क्या हुआ, पूरी मास कम्युनिकेशन हुआ ना, पूरा भीड़ में कम्युनिकेट कर रहा है, सबको कम्युनिकेशन दे रहा है, नॉलेज प्रोवाइड करा रहा है, और स्पीड में नॉलेज प्रोवाइड करा रहा है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी भी देरी हो गई, कहीं भी कुछ हुआ तुरंत वो अपडेट आप तक पहुँच जाएगी, तुरंत वो नॉलेज आप तक पहुँच जाएगी। तो एक्सटेंशन मेथड का जो मेन फंक्शन होता है वह है कम्युनिकेशन और मैसेज। तो एक्सटेंशन एजुकेशन का जो मेन फंक्शन है, मेन काम क्या है, कम्युनिकेट करना, मैसेज देना, आपको जो भी ग्रामीण हैं, जिन लोगों को भी है उन्हें समझाना, कम्युनिकेट करना, उनसे बातचीत करना, उन्हें मैसेज देना। तो सो हम यहाँ पे थोड़ा सा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन समझ लेते हैं। कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ट्रांसमिशन ऑफ आइडिया एंड एटीट्यूड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एक्यूरेटली एंड सेटिस्फैक्टरीली। कम्युनिकेशन क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस है स्टूडेंट, जहाँ पर क्या होता है, हम अपने आचार विचार, अपनी बातों को, अपने थॉट्स को एक दूसरे से क्या करते हैं, बांटते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे को, और वो भी बिल्कुल एक्यूरेटली और सेटिस्फैक्टरीली, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट बात करते हैं, और जिससे क्या होता है दोनों पक्ष एकदम संतुष्ट हो जाए। ये इसकी साइकिल होती है, सेंडर से मैसेज गया रिसीवर तक, रिसीवर से फीडबैक आया सेंडर तक। यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगी अपना और आपका, हम और आप क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं सेंडर हूँ, मैं आपको मैसेज दे रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, और आप पढ़ रहे हैं, आप रिसीवर हैं, ठीक है। तो आप उसका फीडबैक मुझे कैसे दे रहे हैं, कमेंट्स के थ्रू दे रहे हैं, लाइक्स के थ्रू दे रहे हैं, डिसलाइक्स के थ्रू दे रहे हैं, ये आप मुझे फीडबैक दे रहे हैं। आई बात समझ में स्टूडेंट्स, ये कम्युनिकेशन का सबसे बढ़िया बेस्ट एग्जांपल्स है। और हम जो मीडियम यूज़ कर रहे हैं, साधन यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है, यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, थ्रू मोबाइल्स, थ्रू लैपटॉप, थ्रू कंप्यूटर्स, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन है जो हम एक दूसरे के साथ में कर रहे हैं। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो मैं आपको समझाऊंगी, अलग वीडियो बनाऊंगी इसकी, ये आपके होम साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन, तो हम बाद में इसकी बात करेंगे। लेकिन कम्युनिकेशन मीडिया पढ़ रहे थे तो कम्युनिकेशन समझना बहुत ज़रूरी था। अब है व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। देखो प्रसार शिक्षा का क्षेत्र जो है वो बहुत विस्तार है, बहुत बड़ा है,
बहुत बड़ा होता जा रहा है और ये दिन प्रतिदिन जन जन के जीवन से सीधा संबंध रख रहा है। हर आदमी के जीवन में प्रसार शिक्षा का बहुत महत्व है। मैंने कुछ लिखे हैं, इसके अलावा भी प्रसार शिक्षा का बहुत स्कोप है। एग्रीकल्चर में है, होम साइंस में, गृह विज्ञान की शिक्षा में तो प्रसार शिक्षा का काफ़ी जोर दिया गया है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का वह क्षेत्र है जहाँ पर जो गृहिणी है उसके साथ साथ उसे कृषक के परिवार के सभी सदस्यों के मस्तिष्क, मन के भाव और उसके स्वास्थ्य के पक्ष को उन्नत रूप प्रदान किया जाता है। ठीक है, मतलब होम साइंस में जो है मेनली गर्ल्स को, वुमेन्स को ही नहीं बल्कि उनकी पूरी फैमिली को भी कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर है, डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी है, आपके पशुपालन है, मुर्गी पालन है, बहुत सारे जो भी है उसमें एक्सटेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा फार्म्स में है, कम्युनिटी के डेवलपमेंट में है, कम्युनिटी के न्यूट्रिशन में है, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप। एक्सटेंशन एजुकेशन का जो एक मेन स्कोप होता है वो होता है लीडरशिप की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। ठीक है, एक नेता होना चाहिए, एक नेतृत्व क्षमता वाला व्यक्ति होना चाहिए जो कि लीड कर सके, जिसकी बात को सब लोग सुन सकें, समझ सकें। इसके अलावा वेटनरी सेक्शन, जितने भी पशुपालन जानवरों से रिलेटेड हैं उन सभी क्षेत्रों में एक्सटेंशन एजुकेशन का बहुत स्कोप है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रसार शिक्षा का क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा विस्तृत है, बहुत बड़ा है। इसके अलावा इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रसार शिक्षा का क्षेत्र बड़ा ही विस्तृत और व्यापक है। ग्रामीण जीवन को उन्नत करने के लिए तीन आवश्यक पहलू हैं जो सर्वमान्य है, जो इम्पोर्टेंट है, एक्सटेंशन एजुकेशन के अंडर है, जिसमें आपको ग्रामीण के तीन जीवन के पहलू इम्पोर्टेंट रखते हैं जिन्हें आपको बढ़ाना है, सुधारना है। वो उसका सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल, उसका सामाजिक स्तर, उसका आर्थिक स्तर और उसका सांस्कृतिक स्तर, तीनों स्तरों को एक्सटेंशन एजुकेशन के थ्रू सुधारना है। अब व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन के सिद्धांत क्या क्या होते हैं? देखिए, पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड्स, मतलब सिद्धांत है लोगों की रुचि और उनकी ज़रूरत के आधार का सिद्धांत। मतलब कहने का यहाँ है, द रूरल पीपल शुड वॉलंटरली पार्टिसिपेट इन द एक्सटेंशन वर्क। जो रूरल पीपल्स हैं वो खुद से आके, स्वयं से आके एक्सटेंशन वर्क जो भी करे जा रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करें। एक्सटेंशन वर्क मस्ट बी बेस्ड ऑन द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जो भी हम वर्क करा रहे हैं, एक्सटेंशन वर्क कर रहे हैं, वो लोगों की ज़रूरतों के आधार पर होना चाहिए, उनके रुचि के आधार पर होना चाहिए। दीज इंटरेस्ट एंड नीड डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, फ्रॉम विलेज टू विलेज, फ्रॉम ब्लॉक टू ब्लॉक, फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। और ये जो ज़रूरतें हैं लोगों की, ये अलग अलग हो सकती हैं, भिन्न भिन्न हो सकती हैं। हर व्यक्ति की ज़रूरत अलग है, मेरी अलग है, आपकी अलग है, आपकी रुचि अलग है, मेरी रुचि अलग है। ठीक है, आपके घर में आपके बहन भाई की रुचि अलग होगी। तो फिर हम कैसे ये कर सकते हैं कि हम एक प्रोग्राम गांव में जितने लोग हैं वो सबके लिए चला दें? ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। मतलब कहने का ये, एक्सटेंशन एजुकेशन का ये पहला प्रिंसिपल है कि लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से और उनकी रुचि के आधार पर आपको काम करना है। आप एक ही प्रोग्राम हर विलेज में, हर स्टेट में, हर ब्लॉक में, हर व्यक्ति को नहीं दिखा सकते। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट है, सेकेंड है प्रिंसिपल्स ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस। देखिए, इंडिया जो है वो वास्ट कंट्री है, 29 स्टेट्स हैं और हर राज्य की अपनी एक अलग बोली है, अलग भाषा है, अलग कल्चर है, अलग संस्कृति है। तो एक्सटेंशन वर्क भी हमें ऐसा ही करना होगा। द एजुकेशनल मेथड शुड बी लाइव विद इन द कल्चर ऑफ द पीपल इन ऑर्डर टू मेक एक्सटेंशन एजुकेशन इफेक्टिव। एक्सटेंशन एजुकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें व्यक्ति के कल्चर से रिलेटेड उसका जो है प्रोग्राम बनाना होगा, काम करना होगा उसके कल्चर से रिलेटेड। एक्सटेंशन वर्क इज बेस्ड ऑन द कल्चर बैकग्राउंड ऑफ द पीपल विद होम द वर्क इन डन। तब हम कोई काम कर पाएंगे। हम एक्सटेंशन वर्क ऐसा बनाएं जो कि उनकी कल्चरल बैकग्राउंड से रिलेटेड हो, उनकी संस्कृति से रिलेटेड हो, उनकी संस्कृति के बाहर का ना हो, वरना वो लोग भड़क जाएंगे, गुस्सा करेंगे। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट कैन ओनली बिगिन फ्रॉम द लेवल ऑफ द एक्सटेंशन वर्कर, हैज़ टू नो द लेवल ऑफ द नॉलेज एंड द स्किल ऑफ द पीपल, मेथड एंड टूल यूज बाय देम इन देयर कस्टम, ट्रेडिशन, बिलीव, वैल्यू एंड बिफोर स्टार्टिंग द एक्सटेंशन प्रोग्राम। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले आपके लोगों, आपको लोगों की, जो भी एक्सटेंशन टीचर है उसके वहाँ के कस्टम को जानना है, वहाँ के ट्रेडिशन को जानना है, उनके बिलीव्स को, उनके वैल्यूज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। वो किस देवी देवता की पूजा करते हैं, वो किस प्रकार के कल्चर को अपनाते हैं, वो क्या मानते हैं, वो क्या बिलीफ रखते हैं, किस चीज़ में, वो सब जानना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं, आप उसके अगेंस्ट जा कर के कोई काम नहीं कर सकते। तीसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल्स ऑफ कल्चरल चेंजेस, टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द पीपल। लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना एक्सटेंशन एजुकेशन का सबसे बड़ा मोटिव होता है। ठीक है, हम एक्सटेंशन एजुकेशन के थ्रू लोगों के व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं, ऐसे व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं जिससे वो क्या कर सकें, जो भी हम उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, जो भी वर्क करा रहे हैं उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकें, उसे वो अपना सकें, उसको वो समझ सकें। समझ में आई बात?
द एक्सटेंशन वर्कर शुड गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द रूरल पीपल. जो भी रूरल पीपल्स हैं, ग्रामीण लोग हैं, हमें जो भी एक्सटेंशन टीचर होगा उसको क्या करना होगा, उनका विश्वास मत हासिल करना होगा, उनका विश्वास लेना होगा. इट इज़ ऑब्वियस दैट द चेंज एजेंट हु वर्क पर्सनली विद द विलेजर्स मस्ट नो व्हाट द विलेजर नो एंड व्हाट दे थिंक. और ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब हम पर्सनली जाके व्यक्तियों से मिलें, उनकी विचारधाराओं को समझें, उनकी प्रॉब्लम्स को सुलझाएं, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा करें कि नहीं, हम आपकी समस्या सुलझाएंगे, हम आपको सहयोग प्रदान करेंगे, तभी आप उनका विश्वास हासिल कर सकते हैं और किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं. ऐसे चीख चिल्ला के तानाशाही करके किसी के भी व्यवहार में हम परिवर्तन नहीं ला सकते, ठीक है. तो ये प्रिंसिपल होता है. नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टिसिपेशन. देखिए, जब तक कोई भी जो वर्कर्स हैं, जब तक हम किसी भी क्षेत्र में हम जब काम कर रहे हैं, वहाँ के लोगों का पार्टिसिपेट नहीं होगा हमारे काम में, ठीक है, तो कोई भी वर्क जो है वो सक्सेस नहीं हो सकता. तो एक्सटेंशन वर्क का एक और प्रिंसिपल आता है पार्टिसिपेशन. जो भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों का, ग्रामीण में रहने वाले लोगों का पार्टिसिपेशन करवाइए. पार्टिसिपेट करने से जब वो उसमें सहयोग करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो क्या होगा, उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, वो आपके पर विश्वास भी करेंगे और उनके बिहेवियर में भी चेंज आएगा. दे ऑल प्रिंसिपल्स आर रिलेटेड विद ईच अदर. सारे प्रिंसिपल्स आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है. तो गुड एक्सटेंशन वर्क हेल्प द रूरल पीपल आइडेंटिफाइंग देयर प्रॉब्लम्स एंड देम हेल्पिंग देम. जो अच्छा एक्सटेंशन वर्क होता है वो यही होता है कि जो भी रूरल पीपल्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को छांटना, उनकी प्रॉब्लम को खोजना, आइडेंटिफाई करना और फिर उनको हेल्प करना इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम. पीपल विल नॉट फी अटैच टू द वर्क इफ एनी आर गिवन रेडीमेड थिंग्स. अगर आप उन्हें बनी बनाई कोई भी चीज़ प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, आप उनसे नहीं पार्टिसिपेट करवा रहे हैं. अब मान लीजिए हमें किसी को कोई भी एजुकेशन देनी है, हमने कहा चलो जो है चरखा बना के दिखाओ, सूत काट के दिखाओ, सूत बना के दिखाओ, हमने खुद बना के दिखा दिया, उन्हें कोई मज़ा नहीं आएगा, उन्हें कोई इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा. रेडीमेड थिंग्स मिल जाएंगी उन्हें, तो उनको क्या करना है, आपको सारा काम तो आप ही करके देना है, टीचर से करके देना है, वर्कर से करके देना है, नहीं, उन्हें बुलाइए, उनसे पार्टिसिपेट करवाइए. ये प्रिंसिपल्स कह रहा है, ठीक है. नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ अडेप्टेबिलिटी इन द यूज़ ऑफ टीचिंग मेथड. मतलब जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे ये टीचिंग मेथड नहीं यूज़ हो रहा है, इन लोगों का सोचने का नज़रिया, देखने का नज़रिया अलग है, वहाँ तुरंत उनके अकॉर्डिंग का टीचिंग मेथड यूज़ कीजिए, ठीक है. डिफर पीपल्स डिफर फ्रॉम वन ईच अदर, वन अ ग्रुप डिफर फ्रॉम अनदर ग्रुप एंड कंडीशन ऑल्सो डिफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जो भी आप कहीं भी जाते हैं, एक ही शहर के आप जितने भी गांव हैं उसमें जाइए, वहाँ पे रहने वाले सब लोगों की सोच अलग होती है, हर गांव की सोच अलग है, हर गांव का कल्चर अलग है, हर गांव का रहन सहन अलग है, तो आपका मेथड भी अलग अलग होना चाहिए, टीचिंग मेथड भी अलग अलग होना चाहिए. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप. सबसे बड़ा जो एक्सटेंशन एजुकेशन का मोटिव होता है वो यही होता है कि उनमें ग्रामीणों के 10 लोग हैं, तो 10 लोगों का ग्रुप बनाइए, उसमें से एक के अंदर लीडरशिप की भावना को डेवलप करिए, लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप करिए. वो क्यों करिए, क्योंकि वो वहाँ का जो लोकल पर्सन है वो उन लोगों की बात को समझ, आपकी बात को अपने थ्रू समझा सकता है. हम पर कोई विश्वास ऐसे नहीं करेगा, जो वहाँ के आदमी पर आदमी जल्दी विश्वास कर लेगा जहाँ भी हम एजुकेशन प्रोवाइड कराने जा रहे हैं. क्यों, क्योंकि उसे लगेगा नहीं नहीं ये भाई सोच बोल रहा है, इसने उन पर विश्वास करा, इसका मतलब ये भी सही बोल रहा है, तो हमें ये काम करना चाहिए. मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं समझाना चाह रही हूँ. मान लीजिए 10 लोग हैं, तो 10 लोग में से एक को लीडरशिप क्वालिटी हमें उसके अंदर इम्प्रूव करनी है, हमें उसका विश्वास हासिल करके, ताकि वो उन लोगों को दूसरे लोगों को समझा सके हमारी बात, और जो है हमारा वर्क जो है वो सक्सेस हो सके. नेक्स्ट है द होल फैमिली प्रिंसिपल. सबसे बड़ी बात एक्सटेंशन एजुकेशन में आती है कि द फैमिली इज़ द यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी. किसी भी समाज की जो प्राथमिक इकाई होती है वो क्या होती है, परिवार होती है. ऑल द मेम्बर्स एंड दे हैव इक्वल इम्पोर्टेंस एंड दे शुड बी डेवलपिंग इक्वली. हर मेम्बर की एक अपनी अलग जो है क्या होनी चाहिए, आइडेंटिटी है, आइडेंटिफिकेशन है, और हर मेम्बर्स का अपना एक अलग महत्व है परिवार के अंदर, और हर मेम्बर का डेवलपमेंट होना चाहिए परिवार के. ये नहीं कि आपने एग्रीकल्चर में केवल कृषि का डेवलपमेंट कर दिया, नहीं, उसकी वाइफ का भी कीजिए, उसके पूरे बच्चों का भी कीजिए, उसके परिवार का भी कीजिए, तब एक्सटेंशन वर्क सक्सेस होता है, ठीक है. एक्सटेंशन वर्क इज़ फॉर द होल फैमिली एंड इट शुड रीच ऑल द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली. इफ़ द एक्सटेंशन वर्कर हैव होल फैमिली अप्रोच, सच प्रोग्राम विल बी यूजफुल एंड पॉपुलर. अगर आप ऐसा प्रोग्राम लेके चल रहे हैं कि केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे परिवार का हमें विकास करना है, वही प्रोग्राम बहुत पॉपुलर होगा, सक्सेस होगा, ठीक. नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन. स्टूडेंट्स द एंड प्रोडक्ट ऑफ द एफर्ट ऑफ द एक्सटेंशन टीचिंग इज द सेटिस्फेक्शन. एक्सटेंशन टीचिंग का जो
मेन मोटिव ये भी होता है कि संतुष्टि मिले, हमने जो भी प्रोग्राम्स करे हैं वो लोगों को समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं, वो उसका यूज़ करके संतुष्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, दैट कम्स टू द फार्मर हिज वाइफ और यंगस्टर एज अ रिजल्ट ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, हमने उन लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है, वो संतुष्ट हो गए, तो हमारा वर्क, हमारा एक्सटेंशन वर्क जो है वो सक्सेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी आप देख लीजिए, डेफिनेशन टाइप की है इंपॉर्टेंट, सेटिस्फेक्शन इज द की ऑफ टू सक्सेस, संतुष्टि क्या है, कुंजी है सक्सेस की, सक्सेस की कुंजी क्या है, संतुष्टि, ठीक है। इन एक्सटेंशन वर्क अ सेटिस्फाइड कस्टमर इज द बेस्ट एडवर्टीजमेंट, अगर हम एक्सटेंशन वर्क कर रहे हैं और हमारे कस्टमर्स हमसे सेटिस्फाई हो गए हैं तो समझ लीजिए हमने जो कुछ भी मेहनत करी है वो सब सफल है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन, वही बात आती है स्टूडेंट्स, एक्सटेंशन प्रोग्राम आर फॉर द पीपल बाय द पीपल, एक्सटेंशन प्रोग्राम किसके लिए है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा है, तभी हम एक्सटेंशन प्रोग्राम अगर कर रहे हैं, हम करने जा रहे हैं तो हमें खुद करके नहीं दिखाना है, हमें उन्हीं के वहीं के लोगों को बुलाना है, उन्हीं से वो काम करवाना है ताकि उनमें डेवलप हो सके और वो कोऑपरेट कर सके हमारे साथ, सहयोग दे सके हमारे काम में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, ये मैं समझा चुकी हूँ कि एक्सटेंशन एजुकेशन हमें कैसे प्रोवाइड करानी है, उनको स्वयं से करा के, वहाँ के जितने अडल्ट्स हैं चिल्ड्रंस हैं उन्हें वो काम आप खुद से करने दीजिए, ठीक है। जब वो काम वो खुद से करेंगे तो उनमें क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो वो क्या करेंगे, एक कार्यकारी नागरिक बनेंगे। तो द मोटिव फॉर इम्प्रूवमेंट मस्ट कम फ्रॉम द पीपल एंड दे मस्ट प्रैक्टिस टू न्यू आइडियाज़ बाय एक्चुअली डूइंग दैम, इट इज़ लर्निंग बाय डूइंग। द मोटिव क्या है कि हमें उनको स्वयं से काम करने देना है, जब कोई व्यक्ति स्वयं से काम करेगा तो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, काम करने का बार बार करेगा इम्प्रूवमेंट आएगा, कार्यकारी नागरिक बनेगा, उसमें एक्सपीरियंस आएगा, पहली बार में वो काम नहीं होगा, दूसरी बार में होगा, तीसरी बार में होगा, लेकिन हमें काम करके नहीं दिखाना है, हमें उन्हीं लोगों से काम करवाना है, कोई भी साइंटिफिक मेथड यूज़ करना है, कोई मशीनरी करवानी है तो हमें नहीं यूज़ करके दिखानी है, उनसे करवानी है। फॉर एग्जांपल हम लोग जब बहुत छोटे छोटे थे तो कंप्यूटर की क्लासेस लगती थी, तो हमारी टीचर हम लोग को कंप्यूटर्स नहीं छूने देती थी, खुद ही बैठ के कंप्यूटर चलाती रहती थी और दिखाती रहती थी, तो मज़ा ही नहीं आता था, कोई इंटरेस्ट ही पैदा नहीं होता था, हम लोग बोर हो जाते थे कि मैम तो कंप्यूटर चला नहीं देती हैं, बहुत छोटे छोटे थे, आई थिंक 6th-7th क्लास में थे हम लोग, कंप्यूटर की क्लासेस होती थी, जब हमें चलाने के लिए दिया था ना तब हमें इंटरेस्ट आता था कंप्यूटर को, है ना। तो यही चीज़ है ग्रामीणों के लिए भी है कि अगर हमें उन पर इम्प्रूवमेंट लाना है तो उन्हें लर्निंग बाय डूइंग है, और ये सच्चाई है, जब हम स्वयं से कोई काम करते हैं तो हमें वो काम अच्छा लगता है और जल्दी समझ में आता है। नेक्स्ट है, लास्ट प्रिंसिपल्स है प्रिंसिपल्स ऑफ इवैल्यूएशन, इतना सब कुछ हमने किया, इतना सब कुछ करने के बाद क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि हमने जो मेथड यूज़ करे वो सही थे या नहीं थे, गलत हैं, हम लोगों में सेटिस्फेक्शन आया है कि नहीं आया है, लोग हमें समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, लोगों के हमारे प्रति नज़रिया क्या है, भावना क्या है, किसके प्रति, एक्सटेंशन वर्कर्स के प्रति, एक्सटेंशन टीचर्स के प्रति, ठीक है, जो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो दिस इज़ द लास्ट, एक्सटेंशन इज़ बेस्ड अपॉन द मेथड ऑफ साइंटिफिक एंड इट नीड्स कॉन्स्टेंट इवैल्यूएशन, जो भी साइंटिफिक मेथड एक्सटेंशन एजुकेशन के थ्रू यूज़ किए जाते हैं बहुत ज़रूरी होता है उनका मूल्यांकन करना। इट इज़ नेसेसरी टू डिटरमाइन द टीचिंग रिजल्ट इन एन अनबेस्ड वे, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द टीचिंग रिजल्ट बाय साइंटिफिक वे, ये बहुत ज़रूरी है, हमने जो भी टीचिंग मेथड, टीचिंग वे, टीचिंग स्टाइल यूज़ किया है लोगों तक अपनी नॉलेज शेयर करने का, उन्हें समझाने का, वो सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है, लास्ट में इवैल्यूएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो रैप अप करते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक्सटेंशन एजुकेशन पूरा समझा दिया है, व्हाट इज़ एक्सटेंशन एजुकेशन, व्हाट आर द मेथड्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, कम्युनिकेशन का उसमें हेल्प क्या है। अब अगर कोई टॉपिक एक्सटेंशन एजुकेशन से बचा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और कमेंट ज़रूर करना, मैं अपने व्यूअर्स से बार बार ये चीज़ कह रही हूँ, कमेंट ज़रूर करिए, आप नेगेटिव बोलिए चाहे पॉजिटिव फीडबैक दीजिए, बट कमेंट ज़रूर करिए स्टूडेंट्स। सो कीप इट अप, आप पढ़ते रहिए, मैं आपको पढ़ाती रहूँगी स्टूडेंट्स, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।